Hello friends, I'm Dr. Aditi. I'm heading the Department of Nutrition and Dietetics in Manipal Hospital, Ghaziabad. I have done PhD in Foods and Nutrition and I'm a diabetic educator too. Today we will talk about makeup from inside. हम सब लोग चाहे मेल हो या फीमेल सुंदर लगने के लिए बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, बहुत सारे हम थेरेपीज लेते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आप और हम में से कितने लोग ऐसा जानते हैं कि हम अगर वो मेकअप अंदर हमारी बॉडी का करते हैं सो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ब्लड, इन योर स्किन, थ्रू योर नेल्स, थ्रू योर हेयर। देयर आर सो मेनी वेज वेयर द इंटरनल मेकअप कैन रिफ्लेक्ट एक्सटर्नल। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो स्टार्ट करते हैं हम मेकअप से। मेक एम ए के ई यू पी आई। सो अगर हम मेक में एम यानी कि मेजरिंग योर बॉडी वेट, वेदर इट इज अंडर वेट, इफ इट इज लेस देन योर BMI और इट इज अ ओवर वेट और ओबेसिटी, तो यू नीड टू रिड्यूस एज पर योर आइडियल बॉडी वेट। दैट यू नीड टू टेक केयर इफ यू आर फॉलिंग इन अंडर वेट कैटेगरी, तो आपको अपना हाइट के हिसाब से जितना आपका वेट होना चाहिए, जितना आपका BMI होना चाहिए, क्या वो उस कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो क्या आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है और वो कितना रिड्यूस करने की ज़रूरत है। दैट यू नीड टू टेक केयर अलॉट। सो अगर हम अपनी बॉडी वेट को रेगुलरली मेंटेन करते हैं, मेजर करते हैं, तो हम आने वाली बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। नाउ वी विल कम टू दी ए। ए स्टैंड्स फॉर अप्रोच, अप्रोच टूवर्ड्स योर सेलेक्शन ऑफ फूड, अप्रोच टूवर्ड्स योर लाइफ स्टाइल, अप्रोच टूवर्ड्स योर पोर्शन साइज। सो वॉट डज दैट मीन अप्रोच? अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हेल्दी खाने की बात करते हैं, हेल्दी चॉइसेस की बात करते हैं, तो अगर हम अपने रिफाइंड फ्लावर को हम होल व्हीट फ्लावर से या होल सीरियल से रिप्लेस करते हैं सो इट्स अ हेल्दी चॉइस। अगर हम किसी भी फॉर्म में फ्राइड को रोस्टेड से कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, सो इट्स अगेन अ हेल्दी चॉइस। इफ I have to go every day to the restaurant or for the socialization, that is not a healthy choice. So that is up to you how you will take it. Now we'll come to the selection of food. अब मेरे पास दो तीन ऑप्शन हैं कि I want to have this gulab jamun, I have the roasted chana, I have the salad, I have dals, proteins. So whenever you are selecting the food, think wisely. आप क्या खाना चाहते हैं, क्या आपके लिए अच्छा है? Selection in terms of while you are going to the market, go for always for the seasonal fruits and veggies rather than कि हम सर्दियों में सोचते हैं कि हम भिंडी खा लें, हम गर्मियों में सोचते हैं कि हम पालक की सब्जी खा लें या ग्रीन लीफी खा लें, which is not fine at all. आप जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, आप जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं या आप जिस सीजन में हैं, उस सीजन में हमारे नेचर ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें ये सब चीज़ें दी हैं, तो इफ़ वी आर वेल यूटिलाइजिंग ऑल दोज थिंग सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। नाउ सेलेक्शन ऑफ फूड में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वेराइटी ऑफ फूड। इफ़ यू वुड बी इनकॉर्पोरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एज वेल, विटामिन एंड मिनरल्स, देन इट वुड बी अ गुड चॉइस। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर प्लेट, मेक श्योर कि कलरफुल फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कलरफुल हमारा जैसे हमने कर्ड लिया वाइट कलर, हमने कैरेट की सब्जी ली रेड कलर, हमने येलो दाल ली, हमने ब्लैक मसूर दाल ली, हमने उसके साथ ब्लैक मसूर के साथ हमने येलो गोभी की सब्जी बनाई, सो दीज आर सम कॉम्बिनेशन। आपने वाइट मूली खाई, आपने गाजर खाई, आपने कोई फ्रूट का इंटेक किया, सो दोज आर द कॉम्बिनेशन विच मेक्स ब्यूटिफुल प्लेट दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर डेली रूटीन। नाउ विल कम टू द पोर्शन साइज। पोर्शन साइज आई हैव अ चॉइस कि मैं अगर किसी को एडवाइस करूँ कि अगर हमको एक बोल खाना है, सो दैट डजंट मीन दैट वुड बी अ बिग बोल, बिकॉज योर डॉक्टर सेड टू ईट अ बोल, वेदर इट इज अ बिग और दी स्मॉल, बट इट मेक डिफरेंस। सो दैट यू हैव टू थिंक वाइल यू आर ईटिंग हाउ मच यू हैव टेकन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ऑलवेज कंट्रोल द पोर्शन साइज। हम लोग पोषण के लिए जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि खाने के लिए तो बोला है ना, हम पास्ता खा सकते हैं, हम पिज्ज़ा खा सकते हैं, वी कैन हैव एवरीथिंग। यस यू कैन हैव एवरीथिंग, बट इट शुड बी इन मॉडरेशन।
if you would be keep eating it, so it is going to harm your health. So now we will come to the K. K stands for keeping yourself energetic and enthusiastic. Enthusiasm doesn't mean that every time you have to Google for every diagnosis what your doctor has prescribed you, every time you are going to search in Google क्या हमारे डॉक्टर ये कौन सी डाइट खा सकते हैं, कीटो डाइट खा सकते हैं, फैट डाइट्स करनी है, हमको इंटरमीटेंट फास्टिंग करनी है, हमको ऐसा करना है वैसा करना है. सो यू शुड बी एंथुजियास्टिक बट इन फॉर्म ऑफ यू हैव टू गेट अप अर्ली, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि नहीं मुझे कल से नहीं करना, मुझे आज से अभी से करना है इफ़ आई एम नॉट मेंटेनिंग माई सेल्फ. अगर हम सोचते हैं कि ये सीजन निकल जाएगा वी विल स्टार्ट वेट रिडक्शन फ्रॉम समर्स, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. इफ़ यू वुड बी थिंकिंग कि नहीं मुझे कल सुबह नहीं अभी से वॉक के लिए, अगर मेरे डॉक्टर ने बोला है सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे नाउ, सो यू आर गोइंग टू अचीव. सो योर एंथुजियाज्म एंड एनर्जी शुड बी देयर रादर देन इन सर्चिंग इन गूगल कि हमको ये डायग्नोसिस है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमें ये थेरेपी लेना चाहिए, इसके ये नुकसान होते हैं. दैट इज गोइंग टू कन्फ्यूज यू बिकॉज यू ऑल आर स्पेशल एंड यू all have different kind of BMI, you all have different kind of food habits, your hunger pants, your lifestyle, everywhere everyone is different and everyone is special for us. So the diet plan should be the customized one in place of the regular one because that is not going to work for anyone. Now we will talk about E stands for to get enough energy or to get enough nutritional requirement as per your body needed. For example, we require carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. So we need to take care ki hamari daily ki requirement kya hai. That you cannot decide. Your diet expert can decide. Your doctor can decide. So every time you should think meri body ki requirement kya hai aur mujhe wo kaise puri karni hai. E stands for to get enough sleep also, minimum 6 to 8 hours of sleep, whether you are working in the day shifts or the night shift, but sleep should be 6 to 8 hours minimum with peace of mind. It should be a sound sleep so that in the morning you are going to wake up so freshly and you can think for the positive day. Now enough calories, enough nutrient requirement, enough sleep, along with that enough physical activity is also required. You can plan for the dance every day if you are interested. You can plan for the brisk walking every day, which is good for health, minimum 30 minutes in a day for 5 days a week. So if it is you are going to do in form of cycling, regular cycling, by walking, by jogging, by Zumba, by aerobics, by dance, or it can be any therapy, but you should engage yourself so that your body's stamina will build up. So this is something enough nutrient, enough your nutritional requirement, enough your sleep, and to get enough physical activity as your body required for the regular metabolism. Now we will talk about up. That means you up. Uprise your mental and physical health. That doesn't mean every time you have to think ke mere se hoga nahi, main kar nahi sakta, ya ye to bahut difficult hai, ya main apne dietitian ke paas jaunga, apne doctor ke paas jaunga, so he'll stop all those things. To aisa nahi sochna hai, aapko sochna hai ki main aur kaise better kar sakta. Agar hum mental aur physical health ki baat karte hain, so always remember, train your brain because you are the owner of your body, you are the owner of your brain. आप जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, everything, whatever you have trained your brain, that is going to happen. Whether it is a physical thing or it is a mental thing. आप जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, just because you have trained your brain in that way only. So that is in your hand. कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज रखी है जिसे आपके डॉक्टर ने मना किया है या ड्यू टू योर क्लिनिकल कंडीशन यू आर नॉट अलाउड टू हैव और इट कैन हार्म यू, सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू टेक इट. आपके पास बहुत सारे तरीके हैं उस चीज से निकलने के. अगर आप अपना बॉडी वेट मेंटेन करते हैं तो आप उसको खा भी सकते हैं. अगर आप बॉडी वेट मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आप खा सकते हैं, बट यू शुड हैव दैट विल बार कि यस आई एम गोइंग टू बर्न इट.
और अगर आपको यू आर इन कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी एंड ड्यू टू योर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड एंड स्टिल यू इट इज इन फ्रंट ऑफ यू देन यू शुड अवॉइड दैट सिचुएशन कि दैट इज दैट यू हैव टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आप कितना भी कोशिश करेंगे यू कैन नॉट इग्नोर इट और खाने के बाद जब गिल्ट फील होता है दैट कॉजेज अगेन अ ट्रबल टू सो इट्स बेटर ऑलवेज ट्रेन योर ब्रेन नाउ वी विल समराइज इट विद पी Make up. Now, P stands for the positive attitude for your mental and physical health, positive attitude towards your selection of food, towards your choice of food, towards your portion size. Positive attitude towards energizing you, enthusiastic you, and positive attitude towards uprise your mental and physical health again. I would like to advise you whenever you are speaking to the doctor you are going to the doctor because you all are special for us so whenever you are going to them be honest with your doctor whether you are planning to reduce weight whether you are planning to control your blood sugar level whether you are planning to maintain your uric acid your renal kidney function reports for maintaining your lipid profile, for maintaining anything. Be honest with everyone and whenever you are going to the diet expert, speak to them, talk to them so that they can understand your problem. Might be your hunger pains are different from the others. Might be you cannot control the portion size, but your doctor, your diet expert can help you out for dealing with all those things. I thank you so much.